ओम शांति। आज 29 सितंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत बहुत संभाल करना। संग दोष से, संग दोष का मतलब क्या होता है? हाँ, संग दोष, गंदी संगत, दोषपूर्ण संगत, ऐसे साथी जो हमें बाबा की श्रीमत पर चलने से रुकावट डालते, उनसे हमें क्या करना है? अपनी संभाल करनी। क्यों क्यों संभाल करनी है? वो अभी हमें नरक में ले जा रहे हैं। लास्ट में क्या मतलब हुआ? वो अभी हमें नरक में ले जा रहे हैं, उनका हमें संग क्यों करें? जो हमें नरक में ले जाएं, उनका हम संग क्यों करें? ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी। गंदी संगत में हम क्यों जाएं? क्योंकि गंदी संगत में बैठेंगे तो गंदे विचार हमारे बुद्धि में आएंगे। संग दोष का मतलब है गंदी संगत। कोई भी ऐसा संग नहीं करना जिससे हमारे जीवन में दोष आए, बुराइयां आए, अवगुण आए। संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते। बाप की याद भूल जाती। प्रश्न, किस फजीलत, उर्दू का शब्द है फजीलत, और उसका आसानी से जो समझ में आता है मैनस है, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। अच्छी आदतें, अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते। दिव्य गुणों को धारण करने से तुम अपनी अवस्था को बढ़ा सकते हो। ठीक है क्या? अगर कभी, अगर अभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत, एक व्यवहार है ना, क्षमा मांगना। भाई कोई गलती हो गई है तो बड़ों से क्या मांगो? क्षमा मांग लो, छोटे से भी मांग लो। गलती हो गई है तो क्षमा मांगने से क्या है, जब समझ में आ गया है तो यह भी एक अच्छा मैनर्स है। फिर क्षमा मांग के उस गलती को दोबारा नहीं करो, शांति हो गई ना। मुझे दादी प्रकाशमणि के शब्द याद आते हैं जो हमें शुरू शुरू में, हम फर्स्ट टाइम जब मीटिंग वहां मधुबन में गए थे तो बाबा ने, दादी ने कहा, हार मान लो। क्या करो? हार मान लो तो क्या हो जाएगा? हार मनी हो जाएगी। हार मनी माना भाईचारा बन जाएगा। यदि मैं भी आप भी तो क्या होगा? भाई मैं भी अकड़ में, आप भी अकड़ में, तो क्या होगा? मित्रता होगी? नहीं होगी। एक हार मान ले तो हार मनी हो जाएगी, और जब उसको समझ में आएगा कि गलती तो मेरी ही थी, गलती तो मेरी ही थी, तो और भी प्यार बढ़ेगा। समझ गए बात को? अगर अभी कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत, फजीलत माना गुण,
मैनर्स चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देह अभिमान ना आए कि बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या कहेंगे। नहीं, छुपाते क्यों है? बच्चा छुपाता क्यों है? क्योंकि दुखी होंगे, पता लगेगा तो दुखी होंगे। और उसके लिए फिर बच्चे को सिखाया, कहा जाता है सॉरी करो। वो सामने सॉरी बोल देता है, परंतु उसे समझ में आ जाता है मेरी बात करने से मेरे मम्मी पापा दुखी हुए हैं, और फिर वो छुपाना शुरू कर दे, वो नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप क्या हो, दुखी। इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप क्षमा मांग लेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, तो आपकी अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। नहीं तो आप छुपा लेंगे तो बीमारी छुपी हुई बढ़ती जाएगी, उसको सुधारने का तरीका पता नहीं चलेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। चरती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल, सच सच बाप को बता दो, ये है चरती कला का आधार। बाप से सच्ची दिल हो, कभी भी अपने को मियां मिठू नहीं समझना। हम तो इतने समय से ज्ञान में चलते हैं, इतने लोगों को ज्ञान सुनाया है, ठीक है नहीं? सुनाया ठीक है, चले ठीक है, सुधरे कितने? सुधरे नहीं तो क्या नंबर मिलेंगे, पद क्या मिलेगा? पद तो मिलना है मेरे सुधरने का मुझे। भूलें हर एक से हो सकती है, इससे भी भूल हो सकती है, वो तो उस भूल को सुधारना है ना, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण तो बना नहीं। पर तो हम ये कह करके यदि भूले करते रहेंगे तब तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा ना। हमारे से कोई भूल हुई है उसको सुधारना है, उसको सुधारना है। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और संभलना है। दुनिया वाले कहते हैं गिरना है और संभलना। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। कोई मिलेंगे तो आपस में राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ तो बोलेंगे ना। उससे अच्छा है कि ओम शांति बोलो। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, ओम शांति, हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं, तुम भी असल आत्मा है हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, परंतु वे शांति तो कोई काम की नहीं, वे शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है, कोई झगड़ते नहीं है, वे कोई शांति हुई क्या? वे पहले झगड़ते थे, अब झगड़ते नहीं है, तो शांति हुई क्या? शांति और चीज, सिर्फ झगड़ा नहीं हो ये शांति नहीं है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। क्या होता है शांति?
संकल्प भी नहीं, संकल्प भी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना वेस्ट, कोई थॉट नहीं। आत्मा का भी स्वधर्म शांत, तो बाप का भी स्वधर्म शांत। आत्माओं का बाप कौन? परम पिता, परम आत्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म शांत है ना, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांत है ना। तुम असल वहां के रहने वाले हो, यहां आए हो पार्ट बजाने के लिए। शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है भाई, शरीर लिया है तो शरीर के द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है, जंगल आदि में भी जाने की कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है, क्या कह रहे हैं बाबा? रमेश्वरी तो नहीं थकती ना। आत्मा थक जाती है तो क्या होता है? हाँ जी, तो अशरीरी हो जाती है, शरीर को छोड़ देती है, शरीर को छोड़ देती है। तो रात को अशरीरी हो, शांत हो जाती है, एकदम आत्मा क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा होता है और सुबह होने से आवाज शुरू हो जाती है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वे हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती, इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है, अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही जाएंगे, याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में। याद कब किया जाता है? दुख धाम में। अशांति धाम में कहाँ किया जाता है? अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है, शांति भी है और सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूं, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूं। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। शांति धाम का पंडा एक शिव बाबा खुद बनता है या उनके बच्चे बनते हैं? एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम तरफ। सारे कहते हम जाएंगे शांति धाम। अब इतने सारों को लेके जाने के लिए अकेला शिव बाबा लेके जाएगा या उसके साथ तुम बच्चे भी लेके जाओगे? गाइड बन के जाना है। वे है परे ते परे धाम,
अब परे ते परे धाम का मतलब ले लिया बहुत दूर, परंतु परे ते परे धाम का मतलब क्या है? परम अवस्था, जिससे ऊंची कोई और अवस्था होती नहीं। वे है परे ते परे धाम, उन्होंने कह दिया परम धाम। यहां धाम का अर्थ बाबा क्या कहते? अवस्था, स्थिति। बद्रीनाथ, अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहां जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन, सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? सूक्ष्म वतन, मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परे ते परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती, वहां जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है, एक सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, वे जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं। आधा कल्प वे यात्रा करते आए हो, आधा कल्प वे यात्रा करते आए हो, ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम हो सिक्की लद्दे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ। ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे? इसको ऐसा पूज्य किसने बनाया? तुम जानते हो, हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है? माया के भी बहुत विघ्न पड़ते, माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, अबलाओं पर क्या होते हैं, कितने अत्याचार होते हैं। और यात्राओं पर जाने या मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं, कोई रोकते नहीं। यहां पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है, पुजारी से पूज्य बनने में कितना माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं। कौन से खड्डे में, कौन से खड्डे में गिरते हैं बहुत करके? काम विकार के खड्डे में गिर पड़ते हैं, हां जी, गटर में गिर पड़ते हैं, काम के गटर। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है, सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विशेष सागर में गोते खाना, विशेष सागर में गोते खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना।
इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहां जो आते हैं उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। ऐसे नहीं समझना कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ गए हैं, उनकी बुद्धि से विष निकल गया है, ऐसे नहीं समझना। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है, बस देखते ही तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते, बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटा भेटी रहती है। इसको याद है चटा भेटी, बहुत दिनों बाद ये शब्द आया है जी। चटा भेटी, कुश्ती देखी है? हाँ, चटा बेटी माया कितनी तूफान मचाती है। कभी माया जीत जाती है तो कभी आप जीत जाते हो, कभी माया जीत जाती है तो कभी आप जीत जाते हो। तो ये है संभलने और गिरने की कितनी चटा बेटी। माया तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, कितना अच्छा, हाँ जी, हाँ, कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विस एबल बच्चा था। माया ने ऐसा चमाट मारा जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा, ये ड्रामा, गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है। बाप ने कहा है मुफ्त में दोष धरते, मुफ्त में दोष रखते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। और किस पर सबसे पहले दोष रखते हैं? सबसे पहले किस पर दोष रखते हैं? भगवान पर। ईश्वर ही दुख देता है, ईश्वर ही सुख देता है, ईश्वर को बाप नहीं समझते। हाँ, वो दुश्मन बन जाता है, वो सज्जन बन जाता है। भक्ति करो तो सज्जन बन जाता है, भक्ति ना करो तो दुश्मन बन जाता है। परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते हैं, तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे, बाप तो शिक्षा अच्छी ही देंगे, परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो। भाषण करने वाले हैं, पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो ना सका। बोला नाव लाओ, सत्संग में सुनाता था, राम राम कहो और नदी पार हो जाओ। अब उनकी कथा सुनने के लिए नदी पार से आते थे, वो राम राम कह के नदी पार करके आ जाते थे। अब वो जब आप गुरुजी हमारे वहां चलो, तो बोला जी नाव लाओ, बिना नाव के कैसे? गुरुजी आप तो रोज गए थे, हम तो रोज जाते हैं, ऐसे राम राम करते हुए नाव नदी पार हो जाते हैं। जो खुद कहता था वो कर नहीं सकता। हाँ, फेंक दिए। सिर्फ कहना नहीं परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो,
इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं, बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आकर माफी मांगो। आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं, ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत मैनर्स देवी गुण नहीं रहते, कहते नहीं इतनी बड़ी भूल की, माफी तो मांगे हैं। अपने को बहुत मियां मिट्ठू समझते हैं, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। कल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, बाल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे ये भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो, भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा 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 करते रहते हैं। बाप को कहते हैं क्षमा करो धर्मराज द्वारा, फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती। मियां मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वे अवस्था आनी है, यहां बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, यहां बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है ना, आत्मा को खींच होती है। क्यों होती है? क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुरवेला जल्दी जल्दी, आतुरवेला क्या बोलते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ। परंतु लायक भी बनना पड़े ना, परंतु लायक भी बनना पड़े ना, कोई तो यहां ही घूमने फिरने जेवर आदि पहनने में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा। अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो, उपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे, ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती भी है, गिराती है, बाप उठाते हैं, मंजिल है ऊंची, और ये है सारी बुद्धि की यात्रा। ये यात्रा किसकी है? ये सारी है बुद्धि की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है, 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो, जब एक बार बाबा कह दिया फिर भूलते क्यों हो। निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, निश्चय है कि बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो भाई, फिर
गिरते क्यों हो, याद कर संभलते क्यों नहीं हो। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते, अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है, फिर और ही क्या होती है, कोई ना कोई गलती करेंगे। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त। सर्विस कैसे गुप्त है, वो तो सामने सुनाना पड़ता है, सामने बताना पड़ता है। नहीं, सुनाने से सिर्फ सर्विस नहीं होती। पहली बात, आप सुना भी रहे हो तो किसी को नहीं पता कि ये क्या सुना रहा है, ये क्या सुना रहे हैं, है ना। हर एक को जब पहचान मिलती है तो उनको नहीं पता कि ये भगवान से मिलने का रास्ता बता रहे। यदि उनको ये पता लग जाए कि ये भगवान से मिलने का रास्ता बता रहे हैं तो सारे के सारे भागकर आ जाएं। सर्विस भी गुप्त है। आपका यदि अपना चरित्र नहीं सुधरा हुआ तो दूसरा थोड़ा सुधरेगा। आप सुधरेंगे तो दूसरे भी सुधरेंगे। दुनिया को क्या पता किससे कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वे भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है, मायावी सोल क्या करती है, प्रवेश कर लेती है। बल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है, कोई ना कोई खामी रहती है, तो डर होना चाहिए, तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्री मत पर चलना है। अगर श्री मत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहां भी बड़ा कड़ा है, कर्मों का फल यहां भी बड़ा कड़ा है, भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबको शिव बाबा से कनेक्शन है, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। सेंटर किसके हैं, सारे हमारा नहीं है। अच्छा, बाबा का इसलिए हमारा है। अच्छा, हमारा है, बाबा का नहीं हो सकता। बच्चे की प्रॉपर्टी बाप की नहीं हो सकती, पर तो बाप की प्रॉपर्टी बच्चे की। तुम्हारा सेंटर फिर कहां से आया, पूछ रहे हैं बाबा, कहां से आया तुम्हारा सेंटर। तुम शिव बाबा के हो, विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा ये सेंटर है, ये ख्याल आया और ये ख्याल आया और मरा, मर गया वो बच्चा। हाँ जी, ये ख्याल आया और मरा, बस ऐसे मेरा मेरा कितने करते रहते हैं, गिर पड़ते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो। मरने से पहले करनी गौर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो,
ये तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे, योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है। सर्विस पर जाएं, ये पूछना नहीं है। बाबा समझाते हैं, शौक नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा वा कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए, कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए। तो उजूरा मिलेगा। आप पे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो, हाँ जी, कहने से भी ना करे तो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे मेरे को हाथ है? शिव बाबा पूछते हैं, मेरे पास कोई हाथ है? इस तन में शिव बाबा बैठे है ना, चिट्ठी लिखते है ना, बैल पर सारा दिन थोड़े सवारी करेंगे। जब मुझे काम करना होता है तो इनके शरीर का आधार लेकर चिट्ठियां भी लिखता हूं, तुम्हें मुरलियां भी सुनाता। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। बैल की पहचान होती भी अब थक गए। यहां तो आंसू आने की बात नहीं। इनको तो सर्विस करनी है, करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो। इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं, तुम जानते हो। अब खेल पूरा होता है। अब क्या होता है? खेल पूरा होता है। बाबा लेने आया है, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। सिर पर क्या है? विकर्मों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो, याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे, महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही ये राजयोग, ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं, बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे तो सर्विस का शौक चाहिए। लिखकर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तो अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जिए दान करें। बिचारे बहुत दुखी,
बेचारे बहुत दुखी हैं। ये एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम में ले जाने आए हैं वे गुरु। लोग अपने को जगत पिता, अपने को जगत पिता शिक्षक कह ना सके, ना जगत पिता कह सकते हैं, ना शिक्षक कह सकते हैं, कह सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। ये तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। दे अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन। बाप को याद करो फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथा संपत्ति है। यहां तो देखो पेट के लिए मारा मारी है। पेट के लिए क्या है? मारा मारी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, रूहानी पंडा बन सच्ची सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनना, बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर क्या बनो? योगी बनो, निरंतर सेवाधारी बनो। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली फोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे, चेहरे ही सेवा केंद्र बन जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही भाग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला नहीं, हिला भी नहीं सकती। माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।